हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की कुटलेहर विधानसभा के तहत पड़ते थानाकलां में ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादकों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी ध्यान दे रही है, यही कारण है महिलाओं द्वारा तैयार ये उत्पाद जो कि एक सीमित क्षेत्र में रहते थे, अब ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय शॉपिंग पोर्टल अमेज़न पर भी मिल सकेंगे। ये उन बहनों ने काम किया है जिनमें क्षमता है, हुनर है, जिनके कुछ सीखने की इच्छा शक्ति है। आज वो जो कुछ करेंगी वो केवल इस पत्र के इस पुस्तक में नहीं, इस कैटलॉग में नहीं, उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक उसकी भी वेबसाइट पर, अमेज़न की वेबसाइट पर आएगा और वहां पर उनके प्रोडक्ट यानी कि उनका सामान बना हुआ कोई भी खरीद सकता है पैसे देकर। यानी कि कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के कितने भी मेरे भाई और बहन यहाँ पर हो जो अपने लकड़ी से बने हुए, बांस से बने हुए, कपड़े से बने हुए, कुशा से बने हुए या खाद्य पदार्थ बने हुए कोई भी अचार से लेके बाकी प्रोडक्ट इस पर डालेंगे वो देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने गर्मा योजना के तहत बालिकाओं को 21,000 रुपए के चेक भी प्रदान किए। वही कार्यक्रम में आई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करने के साथ साथ छोटे बच्चों का अन्न प्राशन संस्कार भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ही किया।